पाषाणी तहसील क्षेत्र में अनेकों समस्याएं की विकराल होते हुए भी संबंधित विभाग इन समस्याओं को हल करने में निकाम होने से आखिरकार प्रहार संगठना की ओर से सलीम बाथाड़े के नेतृत्व में बुधवार को एक शिष्टमंडल पाषाणी तहसीलदार से मिलकर समस्याओं को सुलझाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग निवेदन देकर कर दी गई है, जिसमें पिछले दो साल से पाषाणी आमरी फाटा पाषाणी सावली मार्ग पर करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए गए स्ट्रीट लाइट बंद किए गए हैं, जिसके चलते रास्तों पर घना अंधेरा होने से आए दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए बंद पड़े स्ट्रीट लाइट तुरंत शुरू किए जाए। वही पेंच नदी नया कुंडपुरिया के रास्ते पर बड़ी दरारी और गड्ढे पड़ने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसके चलते इस मार्ग की मरम्मत कर दुरुस्त करना जरूरी होते हुए भी संबंधित विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की गई है। आए दिन गांव कस्बों में शेर निजी पशुओं पर हमला कर शिकार कर रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। वही किसान खेत खलियान में जाने से डर रहे हैं, इसलिए शेर को वन विभाग के अधिकारियों ने पकड़कर जल्द से जल्द जंगल में छोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। पादन रास्तों में कामों में हो रही देरी से किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द पादन रास्ते के काम पूरा कर किसानों को राहत दिलाई जाए। पाषाणी शहर में बरसात का पानी नालियों में जमा होने से अनेकों प्रभागों में समस्या निर्माण हो रही है, जिसके लिए नगर पंचायत द्वारा इन नालियों की सफाई करना जरूरी है। इसलिए नगर पंचायत द्वारा जल्द से जल्द इन नालियों की साफ सफाई की जाए और अनेकों समस्याओं से तहसीलदार को अवगत कर जल्द से जल्द इन समस्याओं को संबंधित विभाग द्वारा हल करने की मांग इस अवसर पर की गई। आने वाले दिनों में इन समस्याओं को संबंधित विभाग ने हल नहीं करने पर प्रहार संगठन की ओर से बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी निवेदन के माध्यम से दी गई। इस अवसर पर मोहन लोकरे, रफीक झाड़िया, राजकुमार राउत, आकाश ड्यूटे, जमील शेख, नामदेव वतेकर के साथ बड़ी संख्या में नगर निवासी मौजूद थे। एनबीसी न्यूज के लिए पाषाणी से रूपेश खंडारी की रिपोर्ट। गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर फिशर भगंदर से आराम, तो आज ही आइए 14 साल से रुग्ण सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर।